IAS ऑफिसर ने अपना चंडीगढ़ तो पहुंच चुके ने नवा साल मनाना है सी। असी अपना किसान अंदोलन दे विच अपने किसान वीरां नूं मजदूर वीरां नूं असी उन्हां दे नाल सोलिडैरिटी शो करन दे वास्ते जिन्हां मुद्दियां नूं लै के किसान वीर अज इत्थे सड़क ते बैठे हैगे आ, नैशनल हाईवे दे उत्ते बैठे आ, असी उन्हां नूं दसन आए हाँ कि असी तुहाडे परिवारां दे विचों, किसान परिवारां दे विचों ही जन्म लै के असी इत्थों तक पहुँचे हाँ। तुसीं इकल्ले नहीं हो, असी तुहाडे नाल हाँ। काफ़ी कानून नूं पढ़िया भी और एक्सप्लेन भी किया। साडे जिन्ने IAS ऑफिसर है, खास करके रिटायर्ड ऑफिसर, चीफ सैकटरी लैवल दे ऑफिसर, जिहड़े साडे पद्म श्री स्वर्ण सिंह बोपा राय वर्गे ऑफिसर, असी मीटिंग करके इन्हां कानूनां नूं पढ़िया और ये पाया कि ये जिहड़े कानून है ये 100% ना सिर्फ किसानां दे खिलाफ है बल्कि ये लिवर दे भी खिलाफ है और ये खास करके सारे साडे देश की 137 करोड़ आबादी कंज्यूमर के खिलाफ है। ये इको बंदे नू भला होना है, एक बंदे नू फायदा होना है, वो है पूंजीपति, होर किसी नू इहदा कोई फायदा नहीं है। मेरे नाल ना सिर्फ बहुत सारे IAS अफसर आए हैं, IRS अफसर आए हैं, आर्मी के अफसर, ब्रिगेडियर, कर्नल, उन्होंने लेडीज़ भी आईया, वाइफ्स आईया जिन्होंने सारी उम्र आर्मी गुजारी है, क्योंकि जिहड़ा जवान है जिहड़ा बॉर्डर पर बैठा है तो किसान का बेटा है कि जॉइंट सैकटरी लैवल दियां IAS दियां पोस्टां सीधियां भरिया जा रही। संविधान दे विच लिखिया होया कि भाई जिहड़ी अपनी रेजरवेशन है ये शड्यूल का सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों लिए है, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन लिए भी बना दी है। मैं मेरे सारे मित्रों ने बहुत सियाणियां गल्लां कीतियां ने, मैं तुहानूं एक जोक च गल दसांगा कि एक कार, ये जोक है, एक कार सरदार बंता सिंह ने बनाई तो फोर्ड ने बनाई अमेरिका दे विच। मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हाँ, कई बार असीं स्टोरी नाल गल सुणाने आ, वो दोवें जदों कारां बनाईयां, जिहड़ी कार बंता सिंह ने बनाई प्राइस उहदी घट सी, तेल वह घट खांदी सी, ड्यूरेबल वह ज़्यादा सी, परफॉर्मेंस उहदी अच्छी सी, लेकिन फोर्ड की कार कामयाब हो गई, बंता सिंह की फेल हो गई। जदों जवाब पुछया कि इहदा जवाब की है, एक नंग सिंह ने हाथ खड़ा करके कहा इहदा जवाब मेरे कोल है, कहिंदा की है, कहिंदा कार दे बैक गेयर नहीं है, ये अंदोलन पंजाब दा इहदे बैक गेयर नहीं हैगा। मैं दस देना चाहुंदा इस अंदोलन दे बैक गेयर नहीं हैगा, सरकार साडी गल अज मन ले, साडी गल कल मन ले, पर अंदोलन दे पंजाब दी लीड है बैक गेयर नहीं हैगा, ये मैं तुहानूं दस दिंदा। सत श्री अकाल जी, सारे खुली बॉर्डर दियां लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर सारे इत्थे पहुँच चुके ने पटियाला तो चंडीगढ़ तो, वेख सकते हो IRS सारे ग्रेट सैलिब्रिटीज़ कह सकते हैं। IPS बनना एक छोटी जी गल नहीं हुंदी, सो सलूट है जी तुहानू पहली गल तां। सो इत्थे आए हो किसानां दा साथ देण आए हो? असीं किसानां दे पुत्तां जी, किसान हाँ, किसानी करदे हाँ, तो जदों नौकरी करते सी उदों भी किसानी दे नाल साडी हमदर्दी सी, किसानां दे नाल बहुत वड्डा जिहड़ा हैगा धक्का हो रहा है, जाति हो रही है, असी उन्हां दे नाल अपने तन मन तन जोड़ के अपनी सोलिडिटी जिहड़ी है वो जाहर करन आया। अज कुछ किताबां लै के आए गए, कोई 2 लाख दीआं किताबां, कोई 1-1.5 लाख रुपए दी जिहड़ी समगरी है, जिहड़े अपने पोस्टर ने ते झंडे ने फलैग्स ने भारतीय किसान यूनियन ते मजदूर किसान एकता दे, वो असी लै के आए और असी नाले अपनी जिहड़ी मजबूती दिखाउणा है कि असी तुहाडे नाल आ। तो खास करके साडे कुछ ऐसे जे अफसर ने जिहड़े दलित वर्ग के नाल संबंध रखते हैं, किरती वर्ग नाल संबंध रखते हैं, उन्होंने कह के किरती किसान मजदूर दलित सारे इकट्ठे ने, एक ना असी वी आर वन, तो ये असी सारी फाइट के नाल इकट्ठे हाँ, क्योंकि कंज्यूमर मारा जा रहा है तो प्रोड्यूसर मारा जा रहा है, जे कंज्यूमर तो प्रोड्यूसर दो ही मारे गए बाकी तो तुम की लेना है सब, तो इस करके सारे इकट्ठे होकर आया। ये मोदी को दसना है कि ये कला किसानों का नहीं, ये सारे देश के लोगों का अंदोलन है। उन्हें पहला रेलां प्राइवेट कीतियां, उन्हें जहाज प्राइवेट किए, उन्हें ऑयल कंपनियां कीतियां, तो उसने रे जरा मजदूरों का जोड़े मैं लेबर कमीशन रहा पंजाब का, उन्हें लेबर जरा एक्ट से अमेंडमेंट करके उन्होंने 12-12 घंटे काम करने का करता, उन्होंने सारे हक हक खोले तो वो नहीं बोल सके। पंजाब के किसानों ने तो हरियाणा के किसानों ने लीड ली, सारे हिंदुस्तान भर के जोड़े किसान ने वो मजबूत हुए ने, और इस जो खास करके कारपोरेट सैक्टर के खिलाफ, ये कला पंजाब च नहीं हिंदुस्तान च नहीं, ये जिहड़ा देश विदेश दे विच जिथे कारपोरेट का लुटमार सी उत्थे भी जागरूकता आई है, जिन्हें साडे पंजाबी किसान पंजाबी दे बैकग्राउंड वाले ने गए जां हिंदुस्तान दे ने, उन्होंने हिंदुस्तान दियां अमरीका, कनेडा, जापान, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सारिया एम्बेसियां दे उत्ते धरने लाए हुए ने, अपने प्रदर्शन कर रहे ने, अपनी उन्होंने पार्लीमेंट के जिहड़े मैंबर तो उन्होंने सरकारां तो सहयोग लै रहे ने कि पुर अमन जिहड़ा ए जिहड़ा हो रिहा हैगा एजिटेशन
वह अपने हकों लड़ रहे हैं, उन्होंने हकों की राखी करनी चाहिए, उन्होंने जाति नहीं करनी चाहिए कि सरकार इन्हों की गल सुन के छेती अपने मेहनत आ चाहे। जेकर तुम मैं लगता रिटायर्ड हो सारे ओके आई एस ऑफिसर IRS जगतार सिंह जी प्रिंसिपल कमिश्नर ओके तुसी रिटायर्ड हो सारे मैं लगता सो जो वर्किंग है जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो होर भी ने जो वर्किंग ने सो उन्होंने भी दिल करता कई क्योंकि इंसानियत सारे अंदर है पर उन्होंने कहना कि असं आ नहीं सकते क्योंकि जो इतने आएंगे उन्होंने कोई लॉजिक देना पवेगा स्ट्रोंग लॉजिक की कहना है। पूरे पंजाब के पूरे हिंदुस्तान के सरकारी अफसर ने वो सारे इस मूवमेंट के नाल बिल्कुल सहमति रखते ने जिहड़े तो इत्थे आया जाता है वो बिल्कुल इत्थे आके हाजरी लगा रहे ने। हरेक बंदा अपने घर बैठा इत्थे मजदूरां दी इत्थे किसानां दी इन्हां दी वैलबींग दी इन्हां दे नाल खड़े होण दा वो कवायद करते ने। तो ये जिहड़ा मोर्चा हैगा इन्हें पूरे का पूरा मोदी गौरमेंट का पूरे का पूरा ढांचा हिला के रख दिता है क्योंकि इस संघर्ष के दौरान जो एका जो एकता नज़र आई है वो अज तक मोदी साहब के 6 साल के रिजाइन के कदे नज़र नहीं आई। साढ़े नाल अज मिलटरी के सबका ऑफिसर ब्रिगेडियर साहब आए ने, विरक जी आए ने, कमिश्नर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने, रण सिंह साढ़े होर बहुत दोस्त आए ने नाल। असी सारे इत्थे जेड़े किसान ने इन्हां दे नाल अपनी एका दिखाउण आए हैं, अपनी हमदर्दी दिखाउण आए। प्रोफेशन चाहे साडा कोई भी होवे पर पहला असी इंसान हुंदे आ, असी इंसान हुंदे आ तां जिन्हां ने मतलब जिहड़े पुलिस डिपार्टमेंट विच जिन्हां ने गैस दे गोले छड्डे, पानी दे बोछारां छड्डियां, कि उन्हां नूं महसूस नहीं होया कि असी सही कर रहे हां या गलत, चाहे उपरों गवर्नमेंट दा प्रेशर सी? वह तो बहुत ही माड़ी गल सी, पर कई बार असी हुक्म दे बद्धे होए होने आ, वो साडे ही भरा सीगे, जे उन्होंने उन्हां की हुक्म बजाया जे वह चाहते सानू रोक भी सकते सीगे, पर असी उन्होंने ही बहुत मशहूर हैं भी उन्होंने जिन्ना दोनों पास ही रखिया उन्होंने ड्यूटी उन्नी करनी सी उन्नी कर ली, उन्होंने साडा भी पक्ष पूरिया, इस करके सानू उन्हां नाल कोई गिला नहीं, किसी भी किसान नू उन्हां नाल गिला नहीं हैगा। सो कहते हैं मिलटरी ऑफिसर्स भी आए हुए हैं, मतलब एक किसान के बेटे तो होंगे ने, आम जनता जिहड़े उनके बच्चे मतलब फौज च होंगे ने, किसी लीडर का बच्चा मैं कभी नहीं सुनिया फौज च होवे, ये क्यों जी? इदा वे मैं किसान का हैगा वहाँ पुत, तो अगर किसान मेरा सड़क पर आएगा तो जवान होकर मैं भी सड़क के नाल हैगा वहाँ खड़ा, कर्नल रिटायर होया वा, लेकिन अगर किसान कहता वे कि मेरी पहचान बदलिया गया वे तो ये जी पहचान हैगी है इनू दोबारा लियाना पएगा, दोबारा बरकरार करना पएगा। आ गैजेट नोटिफिकेशन दे विच अगर तुसी देखो भारत सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन ये पैरा 2 सैक्शन 2 फार्मर किसान की डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर किसान की डेफिनेशन देखो तो ये किसान कौन हैगा वे, पहले तो किसान नू अपनी अहमियत यही समझनी पएगी, उहदा तां वजूद ही चेंज किया जा रहा है। अज की तरीक दे विच इस एक्ट के मुताबिक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बंदा किसान बन सकता है। और मेरे भरावो और किसान है वो चीज़ है जिवें मावां वांगू पुत्रां बच्चों बच्चों की दर्द समझती है, बच्चों की गरमाई समझती है। ऐदा ही जमीन जिहड़ी हैगी है, सिर्फ करेक्शन, किसान जिहड़ा हैगा वे जमीन की गरमाई समझदा हैगा, किसान की हैसियत नू बदली ना करो, किसान की बदली नू बिल्कुल इहदी हैसियत उदा ही रखो। जिस प्रकार जवान अपनी भूमि नहीं छड़दा, मैनू नहीं लगता कि जिस तरीके नाल इत्थे इस टाइम किसान इकट्ठा हो गया वे कि अपनी जमीन छड्डूगा। ये बॉर्डर हैगी है, सिर्फ अजे बॉर्डर ते हैगे आ, अपनी जमीन नहीं छड्डूगा, किसान अपने घर की जमीन भी नहीं छड्डूगा, किसान इत्थों के कानून की जिहड़ी लड़ाई हैगी है ये भी नहीं छड्डूगा। सो देशभक्ति की क्वालिटीज़ आम इंसानों में ही भरिया जाती ने, मतलब लीडर के बच्चों में देशभक्ति की क्वालिटीज़ क्यों नहीं होंगी, वो क्यों नहीं मतलब बॉर्डर पर खड़ते जाके वो क्यों नहीं फौजी बनते? क्योंकि उन्होंने इन्नी प्रोटेक्शन मिलती है कि उन्होंने जरूरत ही नहीं है इस चीज़ की, दे डोंट नो जवान उत्थे की करता, ठंड च खड़ा थोड़ी राखी वास्ते, एक फौजी अफसर बाहर खड़ा होंदा है, वो अपनी जान पहला बेच के जाता है गवर्नमेंट नू, सानू नहीं पता होंदा, असीं फौजी वाइफ हाँ, सानू नहीं पता होंदा साडा हसबेंड हुण है 5 मिंटां बाद होगा जां नहीं होगा, क्योंकि श्रीनगर मेरे हसबेंड रहे हैं, असीं पूरा दिन TV अगे बैठे रहिंदे सी किते कोई गलत खबर ना आ जाए। सो ये सब जानते हैं पॉलिटिशियंस के जो जवान की लाइफ है वो एक सैकेंड की है, ही कैन लिव ही कैन डाई। सो की कहना चाहते हो चीफ कमिश्नर? अज का जोड़ा अंदोलन चल रहा है ये क्योंकि शुरुआत पंजाब तो हुई है, ये केवल जोड़े फार्म वाले कानून ने तन जो काले कानून अस कह रहे हैं वही नहीं है,
जिहड़ा पार्लीमेंट का सैशन पिछे गया अठ दिनों के भी यह जे कानून पास करते जिहड़ा कि ना तो कोई डिस्कशन हुई उहदे उपर ना किसी पता लगने तक की हो गया क्योंकि जिहड़ा करोना का चल रहा सीगा करोना की आड़ दे विच इन्हां ने कहा किसी नूं पता नहीं लगता करफ्यू लग्या होया लॉकडाउन चल रहा जो मर्जी पास कर दो पर अज दे युग दे विच सारे किसान मजदूर हर एक बंदे नूं चेतना आई हुई है पढ़े लिखे ने वो समझ रहे हैं की हो रहा जिहड़ी आ साडी सरकार इस वेले चल रही है इहदा इक्को ही है कारपोरेट घराणे नूं अगे लिआउणा जिहड़ियां रीजनल डिस्पैरिटीज ने अमीर ते गरीब का पाड़ा उहनूं दिन ब दिन वधाउणा एक पासे अमीर होई जाओ दूजे पासे बिल्कुल मारी जाओ जो मजदूर किसान है सारा बिल्कुल मर रहा नीचे नूं जा रहा दूसरे पास लगता इन्होंने मार्क्सिज़म नहीं पढ़िया नहीं पढ़िया होया पर गल है उन्हूं इंप्लीमेंट नहीं करते साडे संविधान दीआं तज्जियां उड़ाईआं जा रहीआं ने जिहड़ा खेती का कानून है यह स्टेट का सबजैक्ट है स्टेट गौरमेंट ही इहदे उपर कानून बनाऊ पर ट्रेड एंड कमर्स नूं नाल लगा के उन्होंने सारे का सारा खेती नूं भी अपने कब्जे विच कर लिया जिहड़ा कि बिल्कुल गलत है साडी सुप्रीम कोर्ट इत्थे दिल्ली विच बैठ के उन्हां नूं नहीं दिखाई दिंदा जजां नूं वी इत्थे किड्डा वड्डा अंदोलन चल रिहा ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਪੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਕੇ मैं मेरे सारे मित्रां ने बहुत सियाणियां गल्लां कीतियां ने मैं तुहानूं इक जोक च गल दसांगा कि एक कार ए जोक है एक कार सरदार बंता सिंह ने बनाई तो फोर्ड ने बनाई अमेरिका दे विच मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हाँ कई बार असीं स्टोरी नाल गल सुणाने आ वो दोवें जदों कारां बनाईआं जिहड़ी जिहड़ी कार बंता सिंह ने बनाई प्राइस उहदी घट सी तेल उह घट खांदी सी ड्यूरेबल उह ज़्यादे सी तो परफॉर्मेंस वो अच्छी सी लेकिन फोर्ड की कार कामयाब होगी बंता सिंह की फेल होगी जो जवाब पूछा कि जवाब की है एक नंग सिंह ने हाथ खड़ा करके कहा यह जवाब मेरे को कहता की है कहता कार दे बैक गेयर नहीं है ये अंदोलन पंजाब दा बैक गेयर नहीं है मैं दस देना चाहना इस अंदोलन दे बैक गेयर नहीं है सरकार सरकार साड़ी गल अज मन ले साड़ी गल कल मन ले पर अंदोलन दे पंजाब दी लीड है बैक गेयर नहीं है ये मैं तुहानू दस दिना मैं बलविंदर सिंह ढिल्लों चीफ इंजीनियर रिटायर्ड मैं चंडीगढ़ तो आया ये मोदी ने जिन्ना मोदी प्रधानमंत्री झूठा इन्ना अड़ियल हंकारी यहोजा कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान चा की यह सारी दुनिया दे नहीं होना पर इन्हें पंगा जटा नाल ले लिया तो मैं दो लाइना थोनू सुना वे मुड़दे असी भी नहीं होना हौसले तूफाना वांगू चढ़े आउंदे ने अके होए रोह नाल भरे आउंदे ने कढ़ के मुड़ांगे तेरा शक दिल्ली हुण मुड़दे नहीं लए बिना हक दिल्लीए मुड़दे नहीं लए बिना हक दिल्लीए सबरां नूं पल्लियां च बन निकले छे छे महीनियां दा लैके अन्न निकले सबरां नूं पल्लियां च बन निकले छे छे महीनियां दा लैके अन्न निकले महलां चों निकल के तूं तक दिल्लीए मुड़दे नहीं हुण मुड़दे नहीं लए बिना हक दिल्लीए मुड़दे नहीं लए बिना हक दिल्लीए सो वेख सकते हो सारे आई पी एस आई ए एस ऑफिसर्स ने किन्ने एजुकेट ने रिटायर्ड ने जिंदगी का किन्ना तजर्बा है किन्ना एक्सपीरियंस है फिर भी मोदी सरकार के खिलाफ खड़े ने कहते ने मुड़दे नहीं ले बिना हक दिल्लीए आई ए एस ऑफिसर ने अपना चंडीगढ़ तो पहुँच चुके ने नवा साल मनाना है असी अपना किसान अंदोलन दे विच अपने किसान वीरां नूं मजदूर वीरां नूं असी उहनां दे नाल सोलीडैरिटी शो करन दे वास्ते जिहड़ा मुद्दिआं नूं लै के किसान वीर अज इत्थे सड़क ते बैठे हैगे आ नैशनल हाईवे दे उत्ते बैठे आ असी उहनां नूं दस्सण आए आ कि असी तुहाडे परिवारां दे विचों किसान परिवारां दे विचों ही जन्म लै के असी इत्थों तक पहुँचे हाँ तुसी इकल्ले नहीं हो असी तुहाडे नाल हाँ
नंबर एक असी अपना चंडीगढ़ रहिंदे आ भी असी मीडिया दे विच टीवी दे उत्ते प्रिंट मीडिया दे विच अपने वल्लों काफ़ी कानून नूं पढ़िया भी और एक्सप्लेन भी किया। साडे जिन्ने आईएएस ऑफिसर है खास करके रिटायर्ड ऑफिसर चीफ सैकटरी लैवल दे ऑफिसर जिहड़े साडे पद्म श्री स्वर्ण सिंह बोपा राय वर्गे ऑफिसर असी मीटिंग करके इन्हां कानूनों नूं पढ़िया और ये पाया कि ये जिहड़े कानून है ये 100% ना सिर्फ किसानों के खिलाफ है बल्कि ये लेबर के भी खिलाफ है और खास करके सारे साढ़े देश की 137 करोड़ आबादी कंज्यूमर के खिलाफ है। ये एको बंदे नू भला होना है एक बंदे नू फायदा होना है वो है पूंजीपति होर किसी नू एदा कोई फायदा नहीं है। ये तो सानू साडे लोगों नू समझ नहीं लगी कि ये जिहड़ी अपनी अज 25 रुपए 20 रुपए 25 रुपए जिहड़ी सानू कणक का आटा मिलता ये तो सानू पूंजीपतियों को सिस्टम लागू हो गया तो 100 रुपए 150 रुपए किलो मिले करेगा तो जिहड़ा गरीब आदमी रोटी किवें खाएगा। एक सवाल मेरे जहन च आ रहा जेकर तुसी मतलब रिटायर्ड ना होए होंगे क्या तां भी आंदे जेकर तुसी मतलब ऑन ड्यूटी होंगे? जे मैं ऑन ड्यूटी हुंदा तां मैं मानसिक तौर पर किसानों के नाल हुंदा लेकिन क्योंकि सर्विस रूल अलाउ नहीं करते किसी भी एम्पलायड किसी ऑफिसर नूं कि वह ओपनली गल करे अज मैं अपना रिटायरमेंट तो बाद इन्हां भरावां दे विच इन्हां वर्गा ही है मैं हुण ना सरकार का नौकर नहीं है इस करके मैं अपने जिहड़े मैं अपनी गल दिल खोल के कर रहा मेरे नाल ना सिर्फ बहुत सारे आईएएस अफसर आए हैं आईआरएस अफसर आए हैं आर्मी दे अफसर ब्रिगेडियर कर्नल उन्होंने लेडीज़ भी आईया वाइफ्स आईया जिन्होंने सारी उम्र आर्मी च गुजारी है क्योंकि जेड़ा जवान है जेड़ा बॉर्डर ते बैठा है तो किसान का बेटा है। साडे नाल अपने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के रजिंदर शाह जी आए हैं बहुत सारे होर बंदे आए हैं साडे आईएफएस गुरदीप सिंह जी इंडियन फॉरन सर्विस के अफसर आए हैं असी जेड़े प्रिंसीपल कई लैक्चरर कई चीफ इंजीनियर साडे नाल आए हैं सिर्फ ये शो करन लई कि किसान वीरो तुहानू अगर कोई अनपढ़ समझदा आ घट पढ़िया लिखिया समझदा तो साडे नाल मुलाकात करा दो असी उन्हों ला समझा देंगे। 26 जनवरी संविधान लागू होया सी देश का कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कहिंदे ने ज़्यादा छेड़खानी नहीं की जा सकती फिर क्यों इन्नी छेड़खानी की जा रही है संविधान के नाल? देखो जेड़ा जेड़ा संविधान के नाल छेड़खानी कर रहा यह सवाल तो उन्होंने पूछना चाहिए आ पर जेड़ा इत्थे मनुवादी सोच वाले लोग अज पावर च बैठे है वो इस संविधान को तहस नहस कर रहे हैं। तुहानू पता होना है कि जॉइंट सैकटरी लैवल दियां आईएएस दियां पोस्टां सीधियां भरिया जा रही संविधान दे विच लिखिया होया कि भाई जिहड़ी अपनी रेजरवेशन है ये शड्यूल का सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों लिए है लेकिन इकनोमिकली वीकर सैक्शन लिए भी बना दी है लेकिन GST बिना 56 या 57 टैक्स है कहिंदे वन नेशन वन टैक्स फिर अपना जी अपना डीमोनेटाइजेशन लाती है वह अजे तक कोई हिसाब किताब नहीं देता। ये सरकार तो धोखियां दी ते फ्रॉडां दी सरकार है ये सरकार तो तहस नहस कर रही है। मैनू वकील साहब एक दिन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के रजिंदर शाह जी मैनू फोन पर दस रहे थे जो मैं चंडीगढ़ों चलिया कि ये लोग जिहड़े बाहर बैठे है इन्हां नू पार्लीमेंट च होना चाहिए तो जिहड़े 10% लोग उत्थे पावर च बैठे उन्हां नू सड़क ते होना चाहिए। सत श्री अकाल। सो बड़ा क्लीयर गल है जदों ये लोग साडे जिहड़े बाबे नानक दे पुत्तर जिहड़े लोगों नू अज जगा रहे आ इंडिया नू इन्हां नू ये समझ अपनी ये जागृति कल्ली इत्थों अंदोलन तक नहीं रखनी चाहिए ये जदों इलैक्शन आना आ तो ये पार्लीमेंट च बैठन तो अपने जे कानून रद्द हो गए तो वधिया नहीं तो फिर रद्द करन दी ताकत जिहड़ी बाबा साहब अंबेडकर ने साडे हथ च दित्ती है पब्लिक दे उहदा इस्तेमाल करन और पार्लीमेंट दे विच जाके राज करन। देशों विदेशों में बैठे सारे दर्शकों को गुजारिश करते हैं कि वक्त तो बाद साडे चैनल सबसक्राइब करो तो घंटी का बटन जरूर दबाओ नवीं ते ताज़ा खबरें सुनने के लिए।